हेलो गाइस, मैं रजनीश कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक का पूरा मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस लेके आया हूँ। और पूरा मैं दोस्तों आप लोगों को आईटीआई फर्स्ट ईयर या आईटीआई सेकंड ईयर, आप लोग जिस भी स्ट्रीम में पढ़ते हो या जोन से भी ईयर में हो, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। चाहे जो बच्चे पॉलिटेक्निक का तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि बिहार और यूपी झारखंड का सबका फॉर्म आने वाला है, यूपी का तो आ भी चुका है, उनके फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं। अभी दिल्ली का आना बाकी रह गया है, झारखंड बिहार वालों का भी आना रह गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को तैयारी करना पड़ता है। और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, इन सब में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ये सारे अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो मैथ है आप लोगों के हर एक स्टेट में मिल जाएगा, यानी हर एक राज्य में दोस्तों आप लोगों का जो मैथ है वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं मैथमेटिक्स के लिए ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा मैथ ही पढ़ाऊंगा और पूरा मैथ की मैं आप लोगों को तैयारी करा दूंगा, ताकि आप लोग जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे, चाहे जो आईटीआई का एग्जाम देंगे, उसमें आप लोगों के जो नंबर आएंगे वो बहुत बढ़िया आ जाएगा। और ताकि आप लोग अच्छे से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों का 450 नंबर का बिहार में अगर पॉलिटेक्निक का नंबर आता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप लोग 300 क्रॉस कर जाएंगे तो आपको एकदम बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और आपको अपने ऊपर अपने चॉइस का कॉलेज मिलेगा और अपने चॉइस का स्ट्रीम भी मिल जाएगा। यानी अगर आप लोग मैकेनिकल से करना चाहते हैं तो आपको मैकेनिकल ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए दोस्तों आप लोगों को अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। अच्छा जैसे ही रैंक ले आइएगा, इसमें पास और फेल कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर आप लोग नहीं भी लिख के आएगा, एक दो नंबर भी करके आइएगा, तो आपको उसमें रैंक मिलेगा। अगर अच्छा से प्रिपरेशन करके जाइएगा तो दोस्तों आपका जो रैंक होगा वो बहुत बढ़िया आएगा। और जैसे ही दोस्तों रैंक आएगा आपका, वैसे ही दोस्तों आप लोगों को कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन भी मिलता है। ये सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को कॉलेज चूज करना है, कौन सा स्ट्रीम अच्छा होता है, या कौन से स्ट्रीम से करने के बाद जो जॉब की स्किल होती है कहाँ हम लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों, इन सब की बातें नहीं करेंगे, पहले तो बात कर ले कि तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी करने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के सामने पूरा डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को करना क्या होगा, उसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर से जाके दोस्तों आप लोगों को डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप लोग इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप लोग जो सिलेक्शन कीजिएगा, चाहे आप लोग पहले खोल लीजिएगा और ऊपर सर्च बार का जो ऑप्शन आया है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाया है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग जाके मेरा उस वीडियो को देखिएगा कि आप लोगों को कैसे मेरे को फॉलो करना है और मेरे को वहाँ पे कैसे आप लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों, 5 तारीख से मैं आप लोगों के सामने अनअकैडमी पे लाइव आने वाला हूँ, और दोस्तों लाइव में पढ़ाऊंगा आप लोगों को पूरा मैथमेटिक्स। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब का भी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो दोस्तों वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों उसमें आईटीआई से भी जो बच्चे प्रिपरेशन करके आगे जाने चाहते हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, अब डीआरडीओ का भी एग्जाम भी आने वाला है, अप्रैल से उसका एग्जाम भी चालू होने वाला है, बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म भरे हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को मैथमेटिक्स जरूरी है। और मैथ का जो बच्चे पॉलिटेक्निक की तैयारी भी करना चाहते हैं तो वो भी मेरे साथ जुड़ जाइए, और आप लोग अनअकैडमी पे जाइए, और हर एक दिन यानी 5 मार्च से मेरी क्लास चालू होने वाली है, और 5 मार्च को दोस्तों मेरी जो फर्स्ट क्लास होगी वो होगी 8:45 पे सुबह। अगर आप लोग फ्री हैं तो 8:45 पे सुबह आ जाइएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को एकदम लाइव पढ़ाऊंगा, और लाइव में दोस्तों मैं पूरा मैथमेटिक्स के बारे में ही डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को मैंने बता दिया कि क्या करना है, आप लोगों को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है, वहां से डाउनलोड कर लेना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और वहां जाके दोस्तों उसको इंस्टॉल करके मेरा नाम सर्च करना है रजनीश कुमार, वहां पे एक फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसे फॉलो भी कर लीजिएगा। और फॉलो करने के बाद जैसे ही जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, एक नोटिफाई का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक करके आप मुझे नोटिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों जो मैथ है, मैथ तो हर एक जगह हर एक
हर एक गवर्नमेंट जॉब हो या कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें आप लोगों को मैथ पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों मैथ के लिए आप लोग एकदम डरिए मत। जिनका भी मैथ वीक है या जो मैथ में बहुत ही कमजोर है या जिनको मैथ में डर लगता है, तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़िए। जो आप लोगों के अंदर का डर है उसे मैं निकालूंगा और एकदम बेसिक लेवल से, मैं आते आते एकदम हाई लेवल पर नहीं जाऊँगा दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल से आप लोगों को हर एक चीज़ सिखाऊंगा। आप लोगों को जिसमें भी दिक्कत हो रहा है, जोन से भी टॉपिक में, चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, आप लोग बेहिचक मुझे कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है या किस चैप्टर में दोस्तों आप लोगों को दिक्कत होती है, तो दोस्तों इस सारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। और दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एकदम लाइव आऊंगा 5 तारीख को, यानी 5 मार्च को 8:45 पे अनएकेडमी पे दोस्तों मैं लाइव आऊंगा। और बच गया फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लास होगी दोस्तों मैं यूट्यूब पे ही अपनी क्लास कराऊंगा। पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग, यानी पॉलिटेक्निक के जो बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मैथ में कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है। तो आप लोगों को पता चल गया कि आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से डाउनलोड कर लेना है अनएकेडमी। और डाउनलोड करके दोस्तों मुझे आप लोग वहां पे फॉलो कर दीजिएगा, मेरा नाम रजनीश कुमार लिख के सर्च कीजिएगा, तो आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी। जाके वहां मुझे फॉलो कीजिए और 5 तारीख को एकदम रेडी रहिएगा। फॉलो करके जो मेरी नोटिफिकेशन कल ही के डेट में मैं क्लास शेड्यूल करूंगा, उसको जाके आप लोग को नोटिफाई कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग नोटिफाई कर दीजिएगा, जैसे ही मेरी क्लास चालू होगी आप लोगों के पास मैसेज चला जाएगा और आप लोग उस क्लास में आके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ के ऊपर पूरी मैं डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, और कल दोस्तों मैं फिर से एक बार और आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊंगा, उसमें भी मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा अनएकेडमी के बारे में कि दोस्तों आप लोगों को कैसे पढ़ना है और क्या चीज़ मैं आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाऊंगा। आई होप कि दोस्तों इतनी सारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर दोस्तों अगर सही में आप लोगों को ये वीडियो सही लग रहा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो सके। और दोस्तों आप लोग 5 बजे एकदम तैयार रहिएगा, 5 बजे अनएकेडमी पे, 5 तारीख को अनएकेडमी पे 8:45 में मैं लाइव आऊँगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को वहाँ पे एकदम लाइव पढ़ाऊंगा पूरा मैथमेटिक्स एकदम बेसिक लेवल से। आप लोगों को मैथ में अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के सामने आऊँगा और आप लोगों को पढ़ाऊँगा। एक बार आके आप उस क्लास में जुड़िएगा, अगर क्लास में जुड़िएगा, अगर सही में आपका मैथ कमज़ोर है तो एक बार आप मगर मेरी क्लास कर लेंगे तो आप लोगों को अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो खुद के खुद आ जाएगा कि नहीं मेरे को कुछ समझ में आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दोस्तों आप लोगों को 100% समझा दूँ, जो भी क्वेश्चन लूँगा, जो भी टॉपिक लूँगा, सबसे पहले उसमें जो कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जितने भी उसमें क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को आना पड़ेगा 5 तारीख को 8:45 पे अनएकेडमी पे। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, तो अगर सही में दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन अब तक जाती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।